गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज श्री रमा। वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम पार्ट 3 हाथी और चिड़िया के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम भाषा माधुरी से तीसरा पार्ट हाथी और चिड़िया के बारे में पढ़ेंगे। तो इस यह लेसन में दो एनिमल्स हैं, हाथी और एक चिड़िया बर्ड, एक हाथी एनिमल और चिड़िया बर्ड। अभी मैं पार्ट पढ़ूंगी, आप भी ध्यान से सुनो। एक हाथी और एक चिड़िया में झगड़ा हो गया था। एक हाथी और चिड़िया में क्या हो गया? झगड़ा, फाइटिंग हो गया। हुआ यूं कि एक दिन चिड़िया अपने लिए एक नया घोंसला बना रही थी। चिड़िया क्या बना रही थी? अपने लिए एक नया घोंसला बना रही थी। घोंसला का मतलब क्या है? नेस्ट। नेस्ट बनाने के लिए उसको क्या क्या लाना पड़ता है? जब आदमी जब घर बनाते हैं, हम जब घर बनाते हैं तो ईंटा, सीमेंट वगैरह हम इससे बनाते हैं। लेकिन चिड़िया जब घोंसला बनाती है तो क्या किस तरह से बनाती है देखते हैं। यहाँ वहाँ से तिनके इकट्ठे कर रही थी। चिड़िया यहाँ वहाँ से तिनके, ग्रास, तिनका का मतलब क्या है? ग्रास, ग्रास इकट्ठे कर रही थी। एक बार में वह एक ही तिनका उठा पाती थी। बच्चों, चिड़िया की चोंच, बीक जो है, छोटा होने के कारण एक बार में सिर्फ एक ही ग्रास को उठा पाती थी, तिनका को उठा पाती थी। तिनका का मतलब क्या है? ग्रास। वह तिनका पकड़ती, उड़ती और पेड़ की डाली पर रखाती। बच्चों, चिड़िया जो है तिनका को पकड़ती, उड़ती और पेड़ की डाली पर रखाती थी। पेड़ की डाली, ट्री के ब्रांच, डाली का मतलब क्या? ब्रांच पर रखाती। उसे बार बार यह करते देख हाथी को हंसी आ गई। वहां पर एक हाथी था, हाथी चिड़िया को देखकर हंस रहा था। क्यों हंस रहा था? क्योंकि चिड़िया सिर्फ एक ही ग्रास को एक समय में उठा पाती थी, एक ही तिनका। उड़ती थी, पेड़ की डाली पर रखती थी, फिर आती थी, फिर तिनका ले जाती थी, फिर पेड़ की डाली पर रखती थी। इसको, इस सीन को देख करके हाथी को हंसी आ गई। वह चिड़िया पर हंसता हुआ बोला। क्या बोला हाथी चिड़िया से? बेचारी इतनी छोटी, इतनी कमजोर है कि एक से ज्यादा तिनका उठा ही नहीं पाती। तो चिड़िया हाथी को, हाथी जो है हंसी हंस करके सो बोलता है कि चिड़िया इतनी छोटी, बेचारी, पूर बर्ड, इतनी छोटी है, इतनी स्मॉल बर्ड है, इतनी कमजोर, वीक, कमजोर का मतलब क्या? वीक बर्ड है कि एक से ज्यादा तिनका उठा ही नहीं पाती। इतनी कमजोर है कि एक समय में सिर्फ एक ही तिनका उठा पाती है। इट विल नॉट टेक मोर देन वन ग्रास। मुझे यदि ऐसे तिनके उठाने पड़े तो मैं हजारों लाखों तिनके एक बार में उठा सकता हूँ। हाथी ने क्या कहा? यदि मैं तिनका उठाना शुरू करूँ तो मैं हजारों लाखों, थाउजेंड और लेक्स और लैक्स ऑफ ग्रासेस, हाँ, आई कैन टेक। घोंसला बनाने के लिए चिड़िया ने धरती पर गिरा पत्ता उठाना चाहा। पत्ता का मतलब क्या है? लीफ। हाँ, घोंसला, नेस्ट को बनाने के लिए चिड़िया ने एक पत्ता, एक लीफ को उठाना चाहा। देखो चिड़िया की चोंच कितनी छोटी है और पत्ता देखो कितना बड़ा है। पत्ता कुछ बड़ा था। पत्ता कैसा था? बड़ा था। उससे उठ ही नहीं पा रहा था चिड़िया छोटी होने के कारण उस पत्ते को उठा नहीं पा रही थी। बार बार उसके मुँह से पत्ता जमीन पर गिर जाता। बार बार क्या हो जाता? उसके मुंह से पत्ता जमीन पर गिर जाता था। यह देखकर तो हाथी को खूब हंसी आई। इस सीन को देख करके हाथी बहुत हंसा और हंसते हंसते बोला, कुदरत ने तुम्हें बनाने में खूब कंजूसी दिखाई है। कुदरत मतलब भगवान। भगवान ने तुमको बहुत ही छोटा बर्ड बनाई है। हाँ, एक पत्ता तक तुमसे नहीं उठता है। हाँ, यू कैन नॉट टेक एटलीस्ट वन लीफ, यू कैन नॉट कैरी एटलीस्ट वन लीफ।
मैं चाहूं तो इस पेड़ को, पूरे पेड़ को उखाड़ कर उठा सकता हूँ, हाँ, यदि मैं चाहूँ तो पूरे पेड़ को भी मैं उठा सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? कैन यू डू लाइक दिस? मैं ऐसा क्यों करूँगी? चिड़िया बोलती है, वाई वाई मैं क्यों करूँगी? यदि पेड़ को उखाड़ा जाए तो उस पर रहने वाले कितने ही पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे। तो चिड़िया क्या बोलती है, नो, मैं किसी पेड़ को नहीं उखाड़ूंगी। यदि पेड़ को मैं उखाड़ दूंगी, ट्री को मैं उखाड़ दूंगी, तो बहुत सारे पक्षियों के घर जो है उस पर रहेंगे, इसीलिए मैं नहीं करूंगी। एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष लग जाते हैं। बच्चों, एक पेड़ को बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं? 10 ईयर्स लग जाते हैं। हाथी को गुस्सा आ गया। हाथी को क्या आ गया? गुस्सा, एंग्री हो गया। वह बोला, चिड़िया की बच्ची, तुम बहुत ज़्यादा चींची करती हो। क्या बोला हाथी? हाँ, चिड़िया की बच्ची बहुत ज़्यादा बोलती हो, तुमने तिनके और पत्था उठाकर मेरे सामने अपनी ताकत दिखाई है। हाथी बोलता है, तुमने इस तिनके और पत्ते को उठाकर अपनी ताकत को दिखाई है, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाई है, मैं भी अपनी ताकत स्ट्रेंथ को दिखाऊंगा। यह कहकर हाथी ने एक पेड़ के तने पर अपनी सूंड लपेटी। सूंड मतलब ट्रंक। ऐसा कह करके पेड़ के तने पर अपनी सूंड, ट्रंक को लपेट लिया, लपेट करके और उसे उखाड़ने लगा। उखाड़ने, देखो जड़ से उखाड़ने लगा। हाँ, चिड़िया नाना करती रही। चिड़िया बोलती रही, नो यू डोंट डू लाइक दैट, डोंट डू। पर हाथी पेड़ को उखाड़ कर ही माना। हाथी ने क्या किया? पेड़ को उखाड़ करके ही माना, पेड़ को उखाड़ करके छोड़ दिया। पेड़ पर बने पक्षियों के घोंसले नीचे गिरने लगे। पेड़ पर देखो जितने भी घोंसले हैं ये सब नीचे गिरने लगे। हाँ, पेड़ को उखाड़ देने से घोंसले नीचे गिर जाता है ना, नेस्ट। वहाँ पक्षियों की चीखें सुनाई देने लगी। ऑल बर्ड्स, देखो जो जो से चिल्लाने लगे। हाँ, हाथी ने यही बस नहीं की, हाथी ने यही बस नहीं की, उसने क्या किया? उसने पेड़ को अपनी पीठ पर टिकाया, अपनी पीठ पर टिकाया, बैक साइड, हाँ, टिका करके और यहाँ वहाँ घूमने लगा। हाथी ने क्या किया? उस ट्री को अपने बैक साइड में रख करके यहाँ वहाँ घूमने लगा। यह देखकर चिड़िया ने दुख के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। चिड़िया ने क्या किया? अपनी आंखों को बंद कर ली। पर वहाँ एक आदमी भी था, देयर वन मैन वॉज ऑल्सो देयर। आदमी ने अपनी आंखें बंद नहीं की, आदमी ने अपनी आंखों को बंद नहीं की। वह हाथी की ताकत देखकर पहले तो हैरान हुआ, हैरान मतलब आश्चर्य, हाथी को देख करके बहुत आश्चर्य हो गया। फिर उसकी ताकत का उपयोग सोचकर प्रसन्न हो गया। हाँ, हाथी को देख करके आदमी जो है बहुत खुश हो गया, वाह इतना ताकतवर है। अब आदमी ने और भी कई हाथियों को वश में किया। वश का मतलब क्या है? काबू, अपने अंडर में कर लिया। सिर्फ यही हाथी की नहीं, जंगल में और भी जितने हाथियां हैं वो सबको अपने काबू में कर लिया और उन्हें सामान ढोने के काम पर लगा दिया। कहाँ पर लगा दिया? सामान ढोने के काम में लगा दिया। सभी हाथी उस पहले हाथी पर नाराज होने लगे, गुस्सा होने लगे। हैं, इस हाथी की वजह से हम लोगों को काम में लगा दिया है, इसीलिए सारे हाथी जो है बहुत ही गुस्सा होने लगे। पहला हाथी बोला, मुझे भी इसका अफसोस है। अफसोस का मतलब क्या है? दुख। पहला हाथी क्या बोला? ओ, मैं, मेरी गलती के कारण सारे हाथियों को इस आदमी ने काबू में कर लिया, मुझे बहुत दुख है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अननेसेसरी किसी को भी दुख नहीं देनी चाहिए। बेचारी चिड़िया जो थी वो अपने काम में लगी थी और अपने घोंसला बनाने के लिए तिनके उठा रही थी, लेकिन हाथी जो, घमंडी हाथी जो था, वो चिड़िया को देख करके हंसने लगा और उसने क्या कहा कि मैं सबसे बड़ा ताकतवर हूँ, देखो तुम तो एक तिनका भी, एक पत्ता भी तुमसे नहीं उठता है,
हाँ, मैं यदि चाहूँ तो बहुत सारे पत्ते, बहुत सारे तिनकों को एक साथ मैं ले सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो क्या? करके इस तरह से हाथी पूछता है, लेकिन चिड़िया क्या बोलती है? हाँ, अरे मुझे नहीं करना है इस तरह के काम। मुझे कैसे करना है? मुझे अपने काम में लीन रहना है। किसी को दुख देने वाली बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, ये हाथी जो है, इस तरह से दुख देने के कारण क्या हुआ आखिरी में? वो खुद किसी आदमी के वश में चला गया, और वो आदमी जो है जंगल में, देखो इस तरह से आदमी क्या किया, सामान ढोने के काम में लगा दिया। और ना सिर्फ वो हाथी ही नहीं, और भी हाथियों को उस आदमी ने पकड़ लिया, बंदी बना करके सामान ढोने के काम में लगा दिया। तो बच्चों, ये है हाथी और चिड़िया की कहानी। इसमें नए शब्द मतलब मैं आपको दूंगी बाद में ये नए शब्द। तो इस पाठ को आप अच्छी तरह से पढ़ो, एक एक शब्द को पढ़ो, और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस लेसन? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों को दुख नहीं देनी चाहिए। हाँ, दूसरों को कष्ट नहीं देनी चाहिए, दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तो इस तरह से हमें इस पाठ से हमें सीख मिलती है। और ये बच्चा जो, ये हाथी जो है, आखिरी में बंदी बन गया, और सामान ढोने के काम में देखो किस तरह से हाथी जो है सामान ढो रहा है। हाँ, काम में लगा दिया। यहाँ देखो, जब हाथी जब पेड़ को उखाड़ रहा है, तो किस तरह से पक्षी, घोंसले, हाँ, एक्स वगैरह गिर रहे हैं। समझ में आया है ना? और यहाँ पर पक्षी जो है उड़ रहे हैं। हाथी देखो कितने घमंडी घमंडी से इसको उठा रहा है। बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ो। धन्यवाद।